नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 9 में। मैं अक्षय तिवारी आपका तहे दिल से एक बार स्वागत करता हूँ। सोनकच्छ श्री दिगंबर जैन समाज द्वारा भारत गौरव साधना महोदती अंतरमना मुनि श्री 108 प्रसन्ना सागर महाराज का सत्संग बैंड बाजो ढोल धमाकों के साथ नगर में धूमधाम से मंगल प्रवेश करवाया। श्री आदिनाथ नव युवक मंडल के सदस्यों के साथ पूज्य गुरुदेव का मंगल विहार ग्राम पीपनवानी से सोनकच्छ के लिए हुआ। जैसे ही गुरुदेव का सोनकच्छ नगर में प्रवेश हुआ, अगवानी के लिए खड़े सभी भक्तों ने हाथ उठाकर जय जय गुरुदेव के जय घोष लगाए। पुलकित मन से गुरुदेव के चरण पखारे, जहां गुरुदेव द्वारा दोनों हाथों को उठाकर सभी भक्तों को मंगल आशीर्वाद दिया। समाज की महिलाएं सर पर कलश लिए गुरुदेव की अगवानी करते हुए मंगल गीत गाए, वह जिसके बाद गुरुदेव ने नगर के सत्संग मंगल प्रवेश किया। मार्ग में जैन गुरु भक्त परिवारों ने अपने अपने घरों के सामने गुरु के चरण धोकर पाद प्रक्षालन किया। तीन दिवसीय प्रोग्राम है 21, 22, 23 जुलाई को, और इस स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव में अंतरमना स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव मनाने जा रहे हैं। पुष्पी तीर्थ पर वासल दिवाकर पुष्पी तीर्थ पण का आचार्य श्री पुष्पन सागर जी महाराज के सानिध्य निर्देशन में, उसमें विदेश की राजकुमारी, फिलीपींस की राजकुमारी ईसाबेल वो शिरकत करेंगी। थाईलैंड की टूरिस्ट मिनिस्टर श्रीमती सोमसोंग साचा फिमुक वो भी उसमें शिरकत करेंगी, और श्रीमान सुथम फिमुक वो MD हैं एयरलाइंस के, वो भी उसमें शिरकत करेंगे। नेपाल के जैन समाज के दिगंबर जैन समाज, श्वेतांबर समाज, स्थानीय समाज, तेरापन सभी समाज के अध्यक्ष मंत्री वो भी शिरकत करेंगे। हरे राम हरे कृष्णा के प्रेसिडेंट वो भी इसमें शिरकत करेंगे। इस तरह देश विदेश से, बैंकॉक से, थाईलैंड से, श्रीलंका से, दुबई से, मस्कट से बहुत से लोगों के आने की, इस पर शिरकत करने की पूरी संभावना है। बहुत सी सूचनाएँ आ चुकी हैं, और यह अनूठा प्रोग्राम पहली बार दिगंबर जैन संत की स्वर्णिम जन्म जयंती पर देश विदेश से लोग एकत्र होकर के इस जन्म जयंती को मनाने जा रहे हैं। क्योंकि जो हमारे आदर्श हैं, जिनके विचारों से हमने अपने जीवन में परिवर्तन को पाया है, और इसी उद्देश्य के साथ कि हम सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन को सही दिशा दे सकें और दिशा और दशा दोनों परिवर्तित हो सके, इस उद्देश्य के साथ ये जन्म जयंती समारोह पुष्पी तीर्थ पर, जो कि सेवा का केंद्र है, मनाने जा रहे हैं। इसमें आप सभी आएं और आकर के पूरा लाभ प्राप्त करें, और इस अवसर पर एक स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि यदि शरीर स्वस्थ होगा, स्वस्थ तन स्वस्थ मन, तभी उसमें स्वस्थ मन रह सकता है। बिना किसी चीड़फाड़ के, बिना किसी एक्सरे मशीन के ऐसे व्यक्ति उपस्थित होंगे जो कि केवल आपको देख करके, जो पहले 100 साल पहले ट्रीटमेंट चला करते थे नेचुरल प्राकृतिक इलाज, उसमें आपको तुरंत बस वो देखेंगे और देख करके बताएंगे आपके शरीर में ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है इस पार्ट में, और इसको नेचुरल तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है, वो वहाँ पर तुरंत उसको ठीक करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें मस्कट से चांदनी आ रही है, और देश विदेश के अनेक डॉक्टर्स और वैद्य आकर के इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कितने तारीख से चालू? ये भी 21 तारीख को रात शुरू हो जाएगा 8 बजे से, 21 जुलाई 22 जुलाई 23 जुलाई और 24 जुलाई को प्रातः 10 बजे तक शिविर चलेगा। कौन से महाराज श्री का जन्मोत्सव मनाया जाता है? ये अंतरमना गुरुदेव मुनि प्रसन्न सागर जी महाराज का, जो कि वासल दिवाकर पुष्पी तीर्थ पण का आचार्य पुष्पन सागर जी महाराज के आत्मीय शिष्य हैं, उनका हम लोग 50वां जन्म जयंती समारोह मनाने जा रहे हैं। सोनकच्छ से योगेश ओझा की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खबरें, बने रहिए हमारे साथ खबर 9।